प्रमोटेड क्या होता है, प्रमोटेड स्टूडेंट्स कब हो जाता है, क्यों होता है और प्रमोटेड होने पे स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्रमोटेड जो वर्ड होता है आपको इंटर के बाद वाले पढ़ाई में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ग्रेजुएशन हो गया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उस समय कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी आप ऑनर्स या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रमोटेड सुनने और देखने को मिलता होगा। तो आखिर प्रमोटेड का मतलब क्या होता है? तो प्रमोटेड का मतलब यह होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं करते हैं, बल्कि कि आपको पास कर दिया जाता है या फिर आगे चढ़ा दिया जाता है, आगे आपको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते हैं, है ना। इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। देखिए प्रमोटेड आप देख सकते हैं, प्रमोटेड मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रेजुएशन को ही ले लेते हैं। ग्रेजुएशन में आप बीए बीकॉम बीएससी कोई भी आपका है मैटर नहीं करता है, आप कर रहे हैं। और प्रमोटेड कब होता है पहले हम लोग यह देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका पांच सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, ठीक है, पांच सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन होता है, पांच छह जो भी सब्जेक्ट हो आपका, कम से कम एक पांच सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ले लेते हैं। तो पांचों अगर आपका 100-100 नंबर का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, 500-500 के एग्जामिनेशन है, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप किसी एक या दो, ठीक है, एक और दो, मैक्सिमम दो और मीन एक और दो, ठीक है, एक और दो सब्जेक्ट में अगर आपका उस सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, तो इस केस में आप क्या हो जाएगा, प्रमोटेड हो जाएगा। ध्यान रखिए मैक्सिमम इसमें दो ही होता है, ठीक है, दो होगा, अगर दो सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो आप यहाँ पे प्रमोटेड हो जाते हैं। वह दो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक पांच भी हो सकता है, दो चार भी हो सकता है, दो तीन भी हो सकता है, दो चार भी हो सकता है, कोई भी दो सब्जेक्ट में या फिर एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएगा तो वहां पे आप प्रमोटेड हो जाइएगा। एक में भी कम आएगा तो आप प्रमोटेड हो जाइएगा। और पासिंग मार्क्स क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे आप जाकर जरूर देखिए। और वही जब यह नंबर ऑफ या जब बढ़ता है नंबर ऑफ फेलियर, जब जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, दो सब्जेक्ट तक ले अगर कम आता है तो प्रमोटेड हो जाते हैं। और यही जब बढ़ेगा, ठीक है, यानी हो सकता है कि जब तीन होगा तो इस कंडीशन में आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रमोटेड वाला, फेल वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिएगा जैसे आप फेल होते हैं, सॉरी प्रमोटेड होते हैं ना, तो प्रमोटेड होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको आगे के क्लास में आपको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि चढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। आपका कोई भी सेशन या फिर जो भी टाइमिंग है आपको दोबारा नहीं लगता, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पढ़ना आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ता है जिस सब्जेक्ट में आप क्या होते हैं, प्रमोटेड होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि हम दो सब्जेक्ट में क्या हो गया, पासिंग मार्क्स से मेरा कम नंबर आया और हम प्रमोटेड हो गए, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि फिर से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेशन है, मान लेते हैं कि 22 से 23 है, 22 से 23 के सेशन में हम एग्जाम दिए जिसमें दो सब्जेक्ट में हमारा पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है, तो यही दो सब्जेक्ट जिसमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है इसका एग्जामिनेशन हमको अगले साल देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट को, लेकिन अगले वाला सेशन में, यानी कि 23 से 24 वाला सेशन में, 23 से 24 वाले सेशन में जो नया बैच बनेगा, उस नए बैच में हमको इसका एग्जामिनेशन देने पड़ेगा वही सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट में हम परमिटेड हुए थे, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया हुआ था, सेम सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं अगले साल वही सब्जेक्ट को कोई नया स्टूडेंट पढ़ेगा, क्योंकि नया बैच बनेगा, नया स्टूडेंट पढ़ेगा, तो वही नया स्टूडेंट जब आएगा ना, तो उसी नए स्टूडेंट के साथ में हमको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और वहां पे जाकर करके वही यहाँ पे आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तब तक लिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा, इस सब्जेक्ट का कोई दिक्कत नहीं होता है, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रमोटेड है तो आपको सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट मिलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो यहाँ पे आई होप सो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रमोटेड में। और ये तो आप समझिएगा कि यह फेल होता है ऐसे, राइट, ये फेल होता है ऐसे, आप समझिएगा कि 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आए तो आप फेल हो सकते हैं, और पासिंग में अगर प्रमोटेड होते हैं तो आपको किस क्या करना होगा कि आपको अगले साल उसी सब्जेक्ट को नए बैच के साथ आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट फेल होता है उसका टाइम फिर से लग जाता है, पूरा का पूरा उनको सब्जेक्ट का फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ता है,
ठीक है, तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक ले, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।